शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन आदेश के बाद भी बुलडोजर चलता रहा। बड़ी बात यह थी कि पूरे मामले की रूपरेखा पहले से ही तय हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली में हुई हिंसा से पहले आखिर बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी को अतिक्रमण की याद क्यों नहीं आई, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट। भाई जो है एमसीडी की किया गया है, इंक्रोचमेंट को हटाया गया था यहाँ से, और जिस तरीके से पैरा मिलिट्री हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे रैपिड फोर्स हो, लगातार तैनात किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार सुबह से गहमागहमी बनी रही। अचानक मीडिया में ये खबर आई कि नॉर्थ एमसीडी आज और कल यहां अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और सभी अवैध निर्माण गिराए जाएंगे, जिसके बाद अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई कि किस तरीके से बुलडोजर जो है पहला पंजा चला चुकी है। ये खोखा को तोड़ते हुए लगातार बुलडोजर जो है अपनी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई कर रही है। उतर के हम ले आते हैं, उसी में हम सारा छांट छूट के ले आते हैं, ले आके हम यहाँ पर जमा करते हैं। 2-4 बोरा 5 बोरा होता है, हम छांट के उसी में ही हमारा बच्चा पलता है। टेंशन के बीच कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आधे घंटे बाद ही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन स्टे के 3 घंटे बाद तक कार्रवाई जारी रही और बुलडोजर ने मस्जिद से लेकर मंदिर तक को तहस नहस कर डाला। दरअसल दिल्ली नॉर्थ एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। नॉर्थ एमसीडी ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा। लेटर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मांगी गई। सुरक्षा के लिए 400 पुलिस कर्मियों की गई, लेकिन इसकी जानकारी दिल्ली सरकार को नहीं दी गई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने से पहले सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। मौके पर दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक और कई अन्य सीनियर अफसर पहुंचे। बुलडोजर गरजने लगा तो कार्रवाई के दौरान नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह भी मामले में सफाई देने पहुंच गए। देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं, आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर, एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था, तो अब ये अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह दिया, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। इधर नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दे दिया और एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा, मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होने का आदेश दिया, लेकिन बुलडोजर था जो रुकने की बजाय गरजता चला गया। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी वहां ड्रामा चलता रहा। बीजेपी शासित एमसीडी के बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराते रहे। जब मामला उठा तो सीपीआईएम की नेता वृंदा करात भी मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से मिलकर कार्रवाई रुकवाने को कहा। काफी गहमागहमी के बाद कार्रवाई रोकी गई। वृंदा करात ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया। सुप्रीम अब लगने का सवाल नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का है, किसको क्या लगे वो सवाल नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहिए? सद्भाव, शांति, बुलडोजर रुक गया है। आज जहाँ तक एनक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट बात है, वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से एंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से एनक्रोचमेंट ड्राइव। सुबह कार्रवाई के दौरान किसी ने एक्शन पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लोगों को जानकारी हुई तो हंगामा शुरू हो गया। मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी दोपहर बाद एंट्री मारी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी महंगाई का दौर चल रहा है, इस दौरान बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे भविष्य में नौकरियों का नुकसान होगा, इसलिए नफरत के बुलडोजर को बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। बता दें दिल्ली में बुधवार को जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को नहीं दी गई थी। 15 साल से बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी को दिल्ली हिंसा के बाद ही अतिक्रमण की याद क्यों आई, ये बड़ा सवाल आपकी नेता आच्छी मारलेना ने बीजेपी से पूछा। 15 साल से भाजपा की एमसीडी में सरकार है, अगर इतना अतिक्रमण था तो पिछले 15 साल से किसका पैसा खा रहे थे? अगर वहाँ पे आज बांग्लादेशी और रोहिंग्या भसे हुए हैं तो पिछले 15 साल से क्यों नहीं हटाया? इसलिए नहीं हटाया क्योंकि इनको भाजपा ने खुद बसाया है।
भाजपा खुद दंगे करवा रही है, भाजपा खुद गुंडागर्दी करवा रही है और पूरे देश में जो गुंडागर्दी करके दंगे करके माहौल खराब हो रहा है वो देश को भाजपा की देन है। नफरत नहीं फैलाना है और हर धर्म को मिलजुल कर चलना होगा, लेकिन धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बता दें दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल पर सीएम केजरीवाल ने एलजी से बात की थी, लेकिन बीजेपी की कब्जे वाली एमसीडी बुलडोजर वाली कार्रवाई करेगी इसकी केजरीवाल सरकार को भनक तक नहीं थी। सवाल तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 घंटे बाद तक आखिर बीजेपी शासित एमसीडी कार्रवाई क्यों चलाती रही? आखिर दिल्ली के एलजी, मेयर और नगर आयुक्त ने कार्रवाई क्यों नहीं रुकवाई? अब गुरुवार को मामले की सुनवाई होनी है जिसके जवाब सभी को सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।